गन्स एंड गुलाब एक आगामी भारतीय कॉमेडी फिल्म है जो राज और डीके द्वारा निर्देशित है और इसमें राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव और गुलशन देवैया ने अभिनय किया है। ट्रेलर चार पात्रों, तीन ठगों और एक महिला के जीवन का अनुसरण करता है जो जल्दी पैसा कमाने के लिए झूठ, धोखे और नाटक के जाल में फंस जाते हैं। फिल्म सस्पेंस, कॉमेडी और ट्विस्ट से भरी एक मनोरंजक यात्रा लगती है। ये फिल्म 18 अगस्त को रिलीज होने वाली है। ये YouTube वीडियो उन कारणों की जांच करता है कि क्यों मणिपुर को बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वक्ता नीतीश राजपूत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA क्षेत्र में अशांति का एक प्रमुख कारण रहा है। वह इस बारे में भी बात करते हैं कि CAA राज्य की आबादी और इसकी सांस्कृतिक पहचान को कैसे प्रभावित करता है। वह बताते हैं कि CAA बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों से अनियंत्रित आप्रवासन की अनुमति देता है, जिससे मणिपुर में लोगों की आमद होगी जो राज्य की जनसांख्यिकी को बदल देगी। इसके अलावा वह इस बारे में बात करते हैं कि यह बिल कैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का उल्लंघन करता है और कैसे मणिपुरी लोग इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान पर एक और हमला मान रहे हैं। अंत में वक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार किस प्रकार मांगों का जवाब देने में विफल रही है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज लाइव वीडियो नॉनस्टॉप शो का एक हिंदी समाचार अपडेट है जो 2 अगस्त 2023 की मुख्य समाचारों को कवर करता है। कवर किए गए विषयों में भारत चीन सीमा तनाव, दिसंबर 2020 तक सभी बेदखली को रोकने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शामिल है, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के बारे में आरबीआई गवर्नर की टिप्पणियां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और एक आयरिश लेखक की मृत्यु। इसके अतिरिक्त वीडियो ऑनलाइन कक्षाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार के नए निर्देशों, भारत द्वारा अतिरिक्त रूसी निर्मित सैन्य उपकरणों के अधिग्रहण और तमिलनाडु में आतंकवादी संदिग्धों के एक समूह की गिरफ्तारी को भी छूता है।